होशियारियां होशियारियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 80% लोग ऐसे हैं जो बहुत से प्रोजेक्ट्स इसलिए छोड़ देते हैं कि वे फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि मुझे इसके बारे में आई नीड टू स्लीप ओवर इट, मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए, कल शुरू कर दूंगा, परसों शुरू कर दूंगा, जल्दबाजी के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, बल्कि हमसे पहली नस्ल भी यही सुनती आई है कि कभी भी फैसले फौरन नहीं करने चाहिए। हालांकि आप पूरी दुनिया की किताबें उठा के देखें, अगर आप कारोबार को पढ़ेंगे, अगर आप आर्ट को पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जो सबसे पहली आपके अंदर फीलिंग आती है, जो सबसे पहली आपकी इंट्यूशन होती है, वो बहुत सही होती है। और हम फैसले को इतना लिंगर ऑन कर देते हैं, इतनी देर लगा देते हैं कि या तो वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी होती है या वो चीज़ ऑब्सलीट हो चुकी होती है और हम जहाँ शुरू हुए थे वहीं बैठे होते हैं। और हमारे पास लोगों को सुलाने के लिए कामयाबी की कहानियाँ नहीं बल्कि वजूहात होती हैं कि मैंने इसलिए शुरू नहीं किया। सो इसलिए आज की दुनिया में जितनी तेज़ी से ये दुनिया घूम रही है, आपको ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा न सोचा करें। अगर आपके अंदर इल्म है, दानिश है, अक्ल है, आप ख्वाब देखते हैं, आपकी सोच है, आप में वलवला, जज्बा, हिम्मत और मेहनत है, अगर लगन है, तो फैसला कर जाया करें। और फैसला करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप ये फैसला कर लें कि कल से शुरू करूँगा। काम शुरू भी कर दिया करें, क्योंकि कामयाबी अल्लाह के हाथ में और वो आपकी मेहनत देखते हुए आपको दे देगा। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको मिडिल क्लास हाउस में ले चलते हैं और देखते हैं उनके क्या हालात हैं। सर, ये नेशनल टीवी पे करने वाली हरकत तो नहीं है। कौन सी? मतलब चारपाई पे एक गाँव एक तकिया रखा हुआ है। कहाँ है तकिया, कहाँ है? नहीं, ओ अच्छा सॉरी, ओ तेरा रौला गया उजड़े से रलिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। खबरदार, मेरे सौरे नु किसी ने बुरा भला किया, कुछ जुगत की ते एक हम मेरे ते छड़ दियो। नहीं, ये साडे घर दे विच अपना होर सिस्टम हैगा, तुसी इधर आ जांदे जी, आए चलते हैं उनके घर, क्या हो रहा है। ओ पहले तो मैनू एदी इस गल तो आंदा, हमेशा थानू कहंदा मिडिल क्लास कराना, फिर असी तेरे को मांग के खाने हैं। नहीं, आपने खुद मुझे जब पहली बार में आया था तो आपने कहा था, मैंने कहा आप कौन सी क्लास है, तो आपने कहा था मैं मिडिल क्लास हूँ। मैं तो गल ही नहीं की थी, मैंने को समझ काला। आपने पहली बार मुझे यही कहा था। नहीं, असी बताओ की हुंदा बा, वाइट कॉलर लोग हैं बस, और कोई भी नहीं साडा। तो सर ना बड़ी रीजनेबल बात की थी, मिडिल क्लास थर्ड कहते हुए बुरा लगता है। नहीं, थर्ड क्लास तो ये नहीं है, लेकिन ये वाइट कॉलर नहीं, ब्लू कॉलर है आप। सफेद पोश बंदा जी। अच्छा, ये दोनों तो आपके बेटे सल्लू के साले हैं। पैसे बड़े लग गए जी, यकीन कर लग जाते सल्लू दे सहुरियां दे। जाहिर है, देखिए आपके जब समधी आए, क्योंकि मैं चाहना भी पैसे खर्च हो जाए, इन्हों का सल्लू ते ध्यान ना पवे। नहीं, उन्होंने सल्लू को पसंद किया यार। सल्लू माशाल्लाह बड़ा अच्छा है यार, बहुत फर्मा बरदार बच्चा है। आपका जो बहनोई है वो बड़ी अच्छी नौकरी भी करता है, और आपका जो बहनोई है जी, वो अच्छी तनख्वाह भी देता है। अच्छा, इतनी बड़ी बहनोई ऐसी बनाया नहीं जितनी बड़ी तुसी कह देता। अच्छा, आज किधर है आपका बहनोई? पढ़िया लिखा आदमी, पता तेजी ना कह दे कितने गया तुम्हारा बहनोई। बस भाई जी नहीं गल है, कहां गया आपका बहनोई? भाई जान, तुसी स्पीड दे विच भी ना बहनोई ते ब्रेक लदास है। भाई तुसी अपना काम करो, सानू अपना कहंदे। अच्छा यार, इफ्तार कर यार, इधर अगे कर, जेड़ियां हैगियां लत्तां है पूरे फड़ा। देखो जी, जेड़े सोहरे हुंदे भी पियो हुंदे आ यार, ये तो बहुत खिदमत करदा, यकीन करो ए जन्नती है। मेहरबानी, मैनू इस गल दा पता भी, मैं जदों मरना इन्हें जन्नत च मेरा इस्तकबाल करना। यार लै पुत, चंगे बंदे छेती चले जांदे आ। मैनू दो बंदे ते कभी उम्मीद है, एक तू एक ओ मुंडा। यार तू केड़ी अखां नू पाउण वाली जिहड़ी जैकट जी पाई, तू मजदूरां ना जाना। ये सीधा आया कम तो, कम तो ये अजकल जांदा फायर ब्रिगेड ना। चाचा जी, ताडी बड़ी मेहरबानी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਹਰੂਨ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਏਦਾਂ ਪਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪੀ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣੇ ਇਫਤਾਰ ਮੇ ਇਤਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਆ ਥਾ। ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮੰਗਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ? ਨਹੀਂ, ਭੱਲਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ
तू यकीन कर भाई मैं ओ पल्ला खाना शुरू किया नू ऐदा देख रहे सी भी जिद्दां इन्होंने जिंदगी कदी पल्ला खाता ही नहीं। तो आपने इनको दही भले नहीं पूछे? ना हो जी, एक खजूर नाल एक समोसा इत्थे तक आ गए सी। अद्धा शरबत पी के, मैं कहा शरबत नहीं पीता समोसे तो। चाची वैसे बड़ी हैरानगी हुई सानू, पिछले साल दे समोसे भी तुसीं संभाल के रखे। वो समोसा पिछले साल का था? हाँ जी, बड़ी मुश्किल ना तोड़िया जी असीं। मेरे पुत्त है एंटीक से समोसे के और नहीं जी फ्रेंच समोसे ले आंदे सीगे, ओ खस्ता बड़े सीगे यार, लत तां उरा करी रख। मैं एक बात बता दूं, वैसे जिस तरह ये अपने ससुर की खिदमत कर रहा है ना, मतलब ससुर वो बाप होता है जो आपको बतौर औलाद के चूज करता है। हाँ जी, सर ये बात सही है, लेकिन खिदमत करें उनके आराम का भी तो ख्याल रखे। एक और तकिए का बंदोबस्त करे, वो चारपाई जमीन को लग रही है, नीचे नीचे एक तकिया रखे। इस बात से मुझे याद आया, वो आपकी बेगम कहाँ है? तेनू किस गल तो याद आया? छोड़े, जिस बात से मुझे याद आ गया वो यार, इनू का दे मैं अपनी ड्यूटी ना करा दिया बच्चे, मैंने जिबा करने लगा बार बार, एक कट लेना बार में जिबा करा, इन्नी के लाता भी फोल्ड कर लेना। सोरे हुंदे प्यो हुंदे मेरा लंबी है लत्तां वाला लबला को जाके मेरा प्यो मर गया, मैं तेनू सारी जिंदगी प्यो समझिया। हाँ हाँ, जिन्हें धी दी पिछे की रख लिया, इन्हें तो सारा कुछ ही रख लिया। हमशीरा ने अज कीती सी अफतारी। अच्छा, लेकिन वो दिन आ गया एक ही, मैं कहा भी मैं तो अपने कुड़मां नूं नहीं छड़ सकदा, तू अपनी भैण वाल होया, मैं उन्हां नूं नबेड़ लैना। तुसीं अज जिन्नी सानूं अफतारी करा दित्ती है ना, रहण नहीं दिंदे ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी सी। इन्होंने आपके आगे क्या रखा? असी इन्हें आगे घड़ी रखी, मैं कहा देखो कितने बजे खुलदा रोजा। वो इन्होंने तो कख नहीं छड़िया। अच्छा, उस लफाफे का भी पटाखा बजाया जे चे समान है। बड़े खुले दिल दे मालक ने जी। अच्छा, एक एक खजूर दे दो टुकड़े कीते सारे नाल। एक समोसा अगे रख के कहंदे दोवें हो जाओ, तुहानू ज्यादा ना होवे। मेहमान तो यह गल्लां करदा ही नहीं, जो गरीबी दावे दा के वो नवे नवे तड़े साढ़े साक बन दे आ, एहो जी गल करदा, जो गरीबी दावे दा सी अगले ने तड़े यार ओ लत दा का कक्का तेरी ते मैं अपनी ड्यूटी ना करा। ए लत कुटन ना तेरे केड़े फुल लग जाने, ड्यूटी कर रहे हैं। असल दे विच ना इन्हें रोजे किन्ने ही रखे आ, खलियां पै गईयां। चाचा जी बड़ी मेहरबानी, तुसी अद्धा समोसा दिता, इतना कु मजा आया सानू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਖਿਲਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਨਾ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖਾ ਗਏ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਓਏ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਸਮੋਸਾ ਚੰਗਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। वालेकुम सलाम। ओ कहां लेके जा रहे हो? सर जी, खान पीन का समान अंदर लेके चल। क्या लाए हो ये? सर वो राशन वंड रहे सी जी, उठो लेके आया। तुम क्यों ले आए हो राशन? तुम खाते पीते आदमी हो। हां जी, असी भी आगे वंडना ही है जी। ये बांट हो गए? यही वंडना वा, और की है। ये बकवास करदा इने, यकीनन उठे लिखाया मैं यतीम हां। लिखा के आए हो मैं यतीम हूं? नहीं नहीं, मैं क्या वा घंटा ठहर के लिखाऊंगा। ओए जा दफा हो जा अंदर, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਯਾਰ ਲੱਤ ਤਾਂ ਉਰੇ ਘਰ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੱਟਲਾ ਆਲਾ 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 ਘੁੱਟਲਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਬ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਮ? ਉਹ ਬਸ ਸਰ, ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਗੁਪਤਾ ਕਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਫਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਜੇ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਈਦਾ। ਚਾਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਓ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਤਾਰੀ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ,
परसों आ जाओ। नहीं परसों भी फर्क नहीं है, उस तो अगले दिन आ जाओ। ए तो अजे कुछ दिन जेड़े ना लगातार अफतारियां चल रही हैं। चाचा जी ईद तक किसे दिन आयो? पुत्र मैं ईदों बाद भी वेला नहीं है। आप क्यों नहीं जा रहे? वो आपको इतने प्यार से बुला रहे हैं। मैनू पता है जिस कदर पुर तकल्लफ अफतारी मैं कराई ना एदा दा ही इन्होंने मैनू। अच्छा हुण जिन्ना खा लिया ना ते उतो फकी जरूर खा लेना। मेरा बच्चा ये करना भी रक्षा रुक्षा नहीं लेना। हाँ जी जिन्ने तुसी ओवर ईटिंग कीती है ना पैदल जाना है। चाचा जी इत्थे असी भैन दा रिश्ता नाल कीता हुंदा ते किन्ना चंगा हुंदा। अच्छा चाचा जी कुछ खादा पीता होवे ते माफ कर दो। नवी नवी रिश्तेदारी ते किहो जी लत ते उरे करो। तेरी मेहरबानी है यार, तू मेरे एक थैला ले आयो। ओ फिर घर दी जिम्मेदारी मेरे सिर ते पूरी यार। ये यार आपका बेटा राशन ला रहा है, इसको रोक। की हो रहा वा साडा बणदा वा राशन लेना? ओए तेरा बणदा राशन ओ तेरा बणदा राशन है, तेरा प्यो जींदा मां जींदी। चलो भाई फिर मैं वापस कर आना। ओए इनू ओनू रख, मैं आप जाके उन्हें दे मुंह ते मार के आऊंगा। ओ मैं आप ही वापस करके आना, मैनू आ गई समझ। चल अंदर रख। ओए अल्लाह दे नाम ते चीज दित्ती है ना उन्हां नू, ये मोड़ी दी नहीं हुंदी। बाहर मेरी गड्डी च रख। नहीं ये गड्डी वाली नहीं गी, अंदर वाली है। इन्हें तो हारून मैनू ना महल्ले च जलील कराता, अज तक सिर्फ दो थैले ले आया। अच्छा इस बात पे जलील करा दी है। ए महाराज दी ना। हाँ जी। ए कोट दी रोट दी खबर आई है मेरे को। ओ की जी? ए मैं सुनया तेरे कुड़म गाला कढ़दे गए। लो दसो जिन्हां नूं तुन के खुला जो देऊंगा तां गाला ना कढ़न के। अगले दे इत्थों तक गए। चाचा जी आपकी बहू किधर गई है? वो जो इधर रहती है, वो जो यू लट निकालती है, उसकी मोटी मोटी सी आंखें, लंबा सा कद है, बहुत स्मार्ट पतली सी है। उधर इतना ही है, बाहर निकल तेरा वीर याद करता। अब्बा जी मैं चाह बनाने लगी सी पर दही नहीं है। हाँ जी। वो तो दूध दी बना दे। चाह दा दही ना की काम है? मेरी गल सुनो, चाह मैं बना देनी है, मैनू टेंशन लगी, पहले मैनू दही लिया के दे दो। ए महाराज दी ना। हाँ जी हाँ जी। ओ मैं सुनया तुहाडे घर दही मुक गया। दही साडे घर मुकया है, तैनू कदी तकलीफ है? दफा हो जा। अब्बा जी तुसी भज के दही फड़ लियाओ, निशान सहरी च दही ना ना खावे तो ओहदा दिन नहीं सही गुजरदा। ओ तो पहले चाह नहीं पिला दिंदे? अब्बा जी नहीं, तुसी पहले दही लैके आवो, निशान ने सहरी विच दही खानी हुंदी। ओ साला जिम जांदा दही ओनू है, दही ते ओहदे कोलों नहीं लंघदा कितो। निशान उतो कही जांदी है बेचारे को, देखे चाय नहीं दी और उसको दही लेने भेज दिया। दही लैन चला गया, चलो सौरा मेरा। आपकी मिसेस कहाँ है? ओ हेलो, अंदर बैठी है। ओ मेरा ना एक सूट काट रही, ईद वाला कढ़ाई। आहा आहा, वो ईद ते मैं पाउणा। अरे वाह, ये क्या है? ये तो जिशान लेने गया था राशन। तो वो दही लैन गया, नम रात पता नहीं क्यों लई आउंदा है। पता नहीं किस मुस्तहिक का हक खाई जा रहे यार। देखो यार आधा काम इन्हां ने ना एडा बुरी गल आ गए, किथे मंडण दे आ। मंगतिया दे घर ब्याह कर लिया मैं है, आटे देखो ये गरीबा दा हक भी मारी जांदे आ। बिल्कुल बेगम। हां जी गल तो सुन। हां जी। कितों तक पहुंचा कुर्ता मेरा? उसका कॉलर रह गया बस, आपकी गर्दन का साइज नहीं मुझे पता था क्या है। चल तू ही चाय बना दे अपने पियो नु। चाय बना पुत। चाय तो मैं अब्बा जी बना दूं लेकिन ना चीनी नहीं है। लो मैं ले आना चीनी, चाय ताए तुसी बैठो, मैं ले आना चीनी। आ दियो मैनू चप्पल। अल्लाह ने तेनू बड़े भाग लाने पुत, मैं तेनू दस दवा खुदा दी कसमें बहुत। ए चीनी कितों मिलदी तुहाडे मल्लेओ? इत्थों सतवीं गली च। अगले ने दुकान भी हटके पाई भी, इन्होंने कहड़ा सौदा लेना। मैंने ना दुपट्टा पीको कराने के लिए दिया वे, वो भी टेलर से पकड़ते आना। और टेलर किथे बैंदा? वो दूसरी गली में। टेलर लागे आउंदे आ, खाण पीण वाला दूर जा रहा है। अच्छा सुने, हां ये गलती हो गई है, मुझे माफ कर देंगे? ये हो गया हुण। वो मैं कढ़ाई कर रही थी ना आपके गले के लिए, तो वो ना मैंने हिरन बनानी थी उस पे, तो वो गलती से ना कुत्ता सा बन गया। ओदे कहन दा मतलब ओदे लिए आंदे शिछड़े भी फट। नहीं तो उन्हें तू अपना हिरन बनाने की कोशिश कर ना। मैंने हिरन बनाने की कोशिश की थी, तो वो अब जरा ज्यादा बड़ा कुत्ता बन गया। ओनो तेरी कमीज ते पौंक रहा है। कुत्ता बन गया ओदे नाल कोई संगली बना के ना, तो इत्थे क बंदे मेरे। मैं चीनी लेके आना। हां ले आना ठीक है। ओ तो तैनूं पता भी मैं तां शुगर दी वजह नाल चीनी पींदा ही नहीं। मैं तां एक कप फिक्का बना दे। अच्छा अब्बा जी
पत्ती के बगैर चाय पी लोगे? ते आ विच की चूहे मेंगणा कर गए। ये क्या है? दसो यार, लोग वादा दे दे के देंदा है कि अल्लाह ने इन्ना दिता लोगों ने। मैं कुछ कहा भी नहीं उन्होंने, मैं खलोता भी नहीं। मैनू जो तेन मिल रहा ना ये लत्तां दी कटाई दी वजह नाल। अमराज दी ना। हाँ हुण की होया? सारे मोहल्ले च थू थू होण डई आ। क्यों? ये गल फैल गई आ भैया। उन्हें क्या तुहाडे घर चीनी मुक गई आ? आ जिन्हां दी जवान औलाद होवे चीनी मुक्कण दिंदे आ। मोहल्ले वालिआं नूं कहो आ के देख, नीले रंग दे छापर खोलो जे चीनी दा ढेर ना लगा होवे। हमारे मोहल्ले में 100 लोग हैं, आपने 100 थूके काउंट किए? तू तू कर रहे है। रखा किथे रखा हुण? अंदर तां भर गया वा। परे रख, परे नुक्कर में देखी है, 5-7 हजे आ जाने। अब्बा जी, मैं अपने शॉपर नू गंड मार के उते अपनी पर्ची लिख के लाती है, उनू को हाथ ना लावे, मैं वापस देना उनां नू। झूठ बोलन दई सै कि तेरी कमीज ते कुत्ता बन गया? क्यों? मैं चंगी तरह वेख्या हरून साहब, यकीन करो। और कुत्ता नहीं बनया। फिर क्या बन गया? दफा करो, रोजियां जो नाम ही नहीं लगता यार। लत लत तो उरे कर। अब्बा जी पत्ती लेके आए पहले, फिर चाय बना दो। कोई ना कड्डे, मैं तुम दस दवा। ये जो इतने शॉपर्स आपने इकट्ठे किए, उसने से चीजें क्यों नहीं निकाल रहे? नहीं कड्डनिया, मैं पर्ची उत्ते लिख के लाती है। मैं यहोजी चीज, यकीन करो, उन्होंने दे तो दिता ना, मैं इस्तेमाल नहीं करनी। क्यों? मैं करियाने वाली दुकान से ये बेच के आवांगा। ये महाराज दी ना। हाँ, वो सुनया तुहाडे कुत्ते दे कुर्ते ते जवाई बन गया। चाहिए उत्ते जाके तेरा दिमाग काम करना छड़ जांदा। ये गल बैरल हो गई है, कुर्ते नू अग ला दे। जवाई दे कुत्ते ते कुत्ता बन गया। ये होई गल है। ये क्या? ओ यार लत तां अगे कर। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਲ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੁਣੇ, ਦਮ ਕੇ ਲਈ ਧਾਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਮ ਕੇ ਲਈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਦੁਮਕਟਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ੈਵਾ ਉਹ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ? ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਧਾਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰੀਮ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰਾ ਲਾਉਣ ਚੱਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਫਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਲੈਣ ਚ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਝੰਡ ਨਿਕਲ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਚੱਲਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਰੋਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਤੂੰ ਆਪ ਇਸ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਮੁੰਡੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਲੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੰਗਣ ਹੀ ਗਿਆ। CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਬਾਈ। ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਆ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਹਮਕ ਤੋਂ, ਹਮਕ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਹਮਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ। ਹਮਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਆਚਾਰ ਆ। ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਸੀਆ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ? ਲੋ ਸੈਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲਦੇ ਸਾਰੇ। ਯਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੌਣ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦਾ ਵਾ? ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਯੇ, ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਕਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਆਪ ਖੇਲੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੇਲਾ। ਆਏ ਜੀ, ਆਏ ਆਏ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲਦੇ ਆਏ। ਚਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ? ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲੂਡੋ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਆਪ ਕਬ ਸੇ ਲੂਡੋ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੂਡੋ ਖੇਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਆਪ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਾਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਅੰਪਾਇਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਆਜੋ ਪੁੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੋਟੀਆਂ ਗੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ? ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇਧਰੋਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਮੇਰਾ। ਆਹੋ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਥੋਂ ਆਟੇ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ। ਬਾਂਕੇ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਾਂਕੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਪੀਲੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਕਾਨ ਹੋਇਆ। ਓਹ ਯਾਰ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਥੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੇਡੀ ਜੇ ਨਾਲ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਵੇਖ ਲਾਈਏ ਤੈਨੂੰ। ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਆ, ਯਾਦ ਮੈਂ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨੀਲੀਆਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗਿੱਡੀ ਗਿੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ੱਗੋ ਕੋ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਨਿਕਨੇਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੱਗੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਫੂਕ ਪਾਣੇ ਮੇਰਾ ਛੱਕਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ अच्छा वैसे मियां बिना मजाजी खुदा होता है तो इसमें फूंक मारने मेरा छक्का आएगा कोई नहीं आया चल दो ला फ्राई इधर वो दो दो आता दोबारा बारी आ गई नहीं दोबारा आ गई वो दो दो आया दोबारा आ गई मेरी बारी दोबारा बारी आ गई छह ना दोबारा बारी आऊं दोबारा आ गई मेरी बारी दो आया दोबारा बारी आऊं नहीं खैर जा पहले छक्का दे आ जाबे ओ कौन लगा चल बेईमानी कराउन रहे हो हे नहीं आया अब जी पांच तो एक है किन्ने हो गए पांच तो एक जा गिन ला किन्ने अंदर अबे हो गए ना अबे नु पूछ ला अब्बा तेरा का लूडो दा मुंछी है एक छे ना गोटी खोल और नहीं खुलती गोटी छे ओ छे होण के तो नहीं खुलती काका जदों छे आऊगा ये खुले ना खुले मैं तेरा खुन्ना खोल देना लो जी आ रहा है छे अच्छा इसका नहीं अगला आ छे आ छे ते आ चार छे नु आइंदा रियाला चक ला ओ छे पांच ए आ छे तो आ पांच अबे एक कल्ला हां नहीं नहीं गलत है कहां नहीं आता पांच आगे आंदा पांच आगे आंदा घर आगे करो सर सारा ही गलत एक बारी चल के दोबारा चल लियो ने बिल्कुल उसकी उल्टा 6 आ रहा है छक्के नहीं आ रहा 6 5 आए है आ तो एक 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 घर पीछे आऊंगा एक घर पीछे आऊंगा मेरी मुख्तलिफ रूल होते हैं ना बाज लोग रखते हैं छक्के के बाद दोबारा बारी होती है यार दो छक्के आन तो फिर दोबारा बारी होती है ऐसे नहीं यार हर 6 पे दोबारा बारी जवाई मेरा इना हक यार जवाई का मतलब तीन तीन गोटा इस घर का जवाई भुग गया मैं नहीं है ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਚੋ ਚੋ ਕੋ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜਾ ਚੋ ਕੱਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਗਾਤਾ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਐ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ 6 ਆਇਆ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਵੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 6 ਆਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ 6 ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਭਾਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨੋ ਤੇਰੀ ਲੜ ਪਈ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਜਵਾਈ ਲੜ ਪਿਆ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਆ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਏਗਾ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਤੇ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਲੰਦਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਖੈਰ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਤਨਖਾਹ ਪਰ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ वेलकम बैक नाज़रीन नाज़रीन ब्रेक में हमारे पास चौधरी साहब आए हैं अपने बेटे के साथ दोबारा आइए पूछते हैं इस बार किस सिलसिले में तशरीफ ये बेटा है ना दा ये ठीक नहीं हुआ नहीं माया कड़ियां नहीं रिपोर्टा लेने आया माया इतने आया है शहर अच्छा अच्छा ये मेरी ही आई तरीक मुकदमा किस चीज का था एचओआई साहब का मुंडा नहीं जी 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 इहदी इक कां नाल लड़ाई हो पई और कां दी ना थल्ले वाली चोंच तोड़ दित्ती मुंडे दी ते कां नाल लड़ाई होई ते मेरी गां ना हो पई तेरा मुंडा बहुत ही संजीदा जी इन्हू वैसे ही भेज दे ओ
यार बहुत मजा ही आ तो ही यार बहुत मजा ही अल्लाह दी कसम अब भाई मैं तारफ करा दा इदा नाम है बख्त बुलंद बख्त बुलंद हां चौधरी बख्त बुलंद पूरे पिंड च मशहूर है और जदों दा ए तेरे घर जम्मे ना तेरे बख्त जा पए अपने बच्चे का नाम कोई बतख बुलंद क्यों रखे भाई ने फैशन की कीता लगदा यकीन कर कि इने ना लाड ना रजाई च गुड्डा लपेटिया ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਹਮੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅੰਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫੇਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਭਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਉਹ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚੌਰੀ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਜੇ ਚੌਰੀ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਬ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੋ ਅਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦੇਣੀ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅੱਛਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਆ ਤੂੰ ਅਬ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਕੋ ਮੱਝ ਮੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਕੋ ਬੱਕਰੀ ਬੁਕਰੀ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਕੋ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਨਾ ਉਹ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਰੇ ਵਾਹ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100-100 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਆ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਭਾਜੀ ਦੁਆ ਸੀਸ ਘਟਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਆ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਰੋਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅਫਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਇਹ ਚੌਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਬ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਅਰੇ ਹਮ ਅਫਤਾਰ ਕੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ हारून साहब उसको ये तो बता दें कि आप पर अफ्तारी लाख तो लाख रुपए चार्ज करते हैं मैं क्यों चार्ज करूंगा मेरा भाई है मुझे प्यार से बुला रहा है अल्लाह तेरी वहां देसी घी देसी मुर्गा दूध दही अरे शायद वो कबड़े तेरे तो वार के छोड़ दे है सुटनी क्यों है सानू खवाना जे दे अफ्तारी दे सामान नु ताडे मुंडे ने हाथ लाना है ना तो फिर असि घर ही खोल लेंगे सानू कह दे भी इहनू नाल ले लियाउणा साडे पल्ले की रहि ਕਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੜਿਆ ਇਹ ਕਮਲੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਲਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਘਿਓ ਪੀ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਛਿੱਤਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਤੇ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲੰਦਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਖੈਰ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਟ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਓ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਹੋਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਡੀਐਨਏ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਵੋ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਂਦਰਾ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਹਮ ਲੋਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਆ ਹਮਾਰੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਫੈਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਲੋਗ ਹਮਾਰੇ ਐਡੀਟਰਸ ਵੀ ਆਏਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਮ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਲੋਗੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਲੋ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕਰਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ 72 ਸੀਟੀ ਉਹ ਕਰਾਓ ਬੱਤਰ ਸੀਟੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ
तेरी मैं घड़ी घड़ी क्यों सुना, मैं कहता चौरी हाँ। मैं कहा चौरी मेरी बात सुने, वो आपने ना मेरे लिए वो दो तोले का सेट लाई। मैं ये कहने लगी थी कि चांद रात को हम सब आ रहे ना आपके पास, तो आपने ईदी हमें चांद रात को ही दे देनी है। ये मुंह कहना होता, ये कहना होता किसी ने? जी सर कहना होता, जिन्हें देनी है उन्हें देनी देनी, और जिन्हें नहीं देनी उन्हें नहीं देनी। और हूं तो उन्होंने ये गल् तेरिया ना सानू मोहलियाँ, इसलिए मैं मुंडे नाल लै गया। अच्छा जी उ देसी मुर्गा होना, शोरबे वाला भी होना, आलू भी पाए होना, जेड़ी तुहाडा दिल करे। वाह वाह वाह, अगर तो तुसीं पहले आयो तो आप फड़ो पिंडो। अच्छा उधर फिरदे हुंदे आप फड़ो, भज भज के फड़ो, आप फड़ो पिंडो, असीं किसे दा होर दा फड़ के चित्र खा लईए। जिस तरह उन्होंने दसिया ना कि देसी मुर्गा, मैं समझा बाद चौरी उधर ना लड़ेगा भी। नहीं तो अगर हम खुद भी पकड़ लेंगे और किसी और का भी पकड़ लेंगे तो आगा साहब को थोड़ी चित्र पड़ जाने हैं। वो थे पकड़ा जाने हाँ नहीं वो तो तू ही फड़ेगा ब्रूसली। अब्बा जी वो पिंड दे मुर्गियां नू ना बीमारी पई आ, बदल लवो कोई होर आइटम कर लो। तेनू कहा ही ना कुकड़ा नू हाथ ना लाई पै गई बीमारी। इन फिर इसे वास्ते चौधरी शहर ने आया चली आ, पता नहीं की वायरस जाएगा। अच्छा करना भी बड़ी गड्डी तो होनी है जी जी, बस दो देगा इतो ही पकवा के रख लेना, एडा कड़ा रौला। चले मुर्गा फिर हम पकवा के, चले इतना कर देंगे हम। तंदूर दी रोटी बेहतरीन, इतो ही ले लड़ा के तो। अच्छा हम रोटियां नान और मुर्गे की देगी हम ले आएंगे। हाँ चलो ऐ गल होई ना, बाकी दो सोडा शिकंजवी ये ताडे आउण ते ही बननी जो तुसीं कहो, क्योंकि पहले ठंडी हो जानी है। अच्छा 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 भाई, एक मज बकाया बेचतियां या वो भी तोकड़िया ते दुध कित्थों अही पूरा करांगे? दुध ते तुहानूं पता सारा शहर आले लै आउंदे, वो एक मज दा दुध भी शहर भेज दिंदे जी। एक मज आला की गल, वो नहीं आउंदा? नहीं नहीं, एक मज दा मैं देखिया चौधरी दे पिंडो जी, उसे मज का दुध पांच छे गड्डियां अगे पिछे निकल रही। तुम इतों लंघना कि दुध वाली दुकान से गड्डी खिलारना तो बड़ा बलटोया भर के बेच रख लेना। मानक बड़ा वा, किन्ने बंदे तुम? चले जी हम 40 किलो दूध भी ले आएंगे। बाया सारी गल आ, तुहानू कहड़ा गल्ला माफी देवे, तू खांदे पींदे घर दे तुसीं भी हो, फैन तो फैन ही होंगे ना। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी, समोसा इस किस्म का पिंड चो मिलता। ओए अब्बा जी, वो समोसा चंगा नहीं कटदा जिहड़ा लंबड़ां दा मुंडा आ? नहीं चंगा कटदा, नहीं वो ते मूंह लाउण नूं दिल नहीं करदा। ओ यार शहरों आउणा कोई समोसे वाली दुकान वेखणा वधिया जी जी, कोई 100 समोसा विच रख लैणा, बल्कि 150 ही कर देना, 50 घट की ते 50 वध की। बस चोरी साहब इस हिसाब नाल, बाकी रह ते कफन दफन ही गया, उहदा मैं इंतजाम कर लिया। आपकी नजर कर देता, वो है सर के तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरा बिल्ली जैसा मुंह, तेरी जुल्फों की क्या बात, तेरे बाल बाल में जूं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इरजा, ऑडियंस बहुत देर से इंतजार कर रही है, तो अपनी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जी ऑडियंस माइक दें जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है और मैं आज आपको गजल सुनाता हूँ। वाह जी वाह। दबी दबी सी वो मुस्कुराहट, लबों पे अपने सजा सजा के, वो नर्म लहजे में बात करना, हया से नजरे झुका झुका के, वो आँख तेरी शरारती सी, वो जुल्फ माथे पे नाचती सी, नजर हटे ना एक पल भी, मैं थक गया हूँ हटा हटा के, वो तेरा हाथों की उंगलियों को मिला के जुल्फों में खोसा जाना, हया को चेहरे पे फिर सजाना, वो फूल सा चेहरा खिला खिला के, वो हाथ हूरों के घर हो जैसे, वो पांव परियों के पर हो जैसे, नहीं है तेरी मिसाल जाना, मैं थक गया हूँ बता बता के, मैं थक गया हूँ बता बता। अरे भाई बहुत आला भाई, क्या बात है यार। एक तो चॉइस की बात होती है कैसे शार चूज किए, दूसरा आपने जिस तरह उनकी अदायगी की वो बहुत बहुत अच्छा। क्या बात, मुझे इसमें वो याद आ रही है कि यूं ही दोष पर संभाले, असल जो तुसी आप सुनाउनी सी, और यूं ही दोष पर संभाले घनी जुल्फ के दोशाले, वही सांवली सी रंगत, वही नैन नींद वाले, वही मन पसंद कामत, वही खुशनुमा सरापा, जो बदन में नीम खाबी तो लहू में रत जगा सा, किसी और ही सफर में सरे राह मिल गई थी, तुझे और क्या बताऊं, वो तेरी तरह कोई। वाह मान लो महंगे इलाके मंजन भेजता जो
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਈ ਹੈ। सर वो इसी से मुझे एक शेर याद आ गया, गालिबन असाज़ा में से किसी का है कि जेड़ा मेरा 200 देना वो नहीं याद आ रहा तेरे। सर चल मैं आपकी नजर कर देता, वो है सर कि तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरा बिल्ली जैसा मुंह, तेरी जुल्फों की क्या बात, तेरे बाल बाल में जूं। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर महबूब है जी। एक शेर बस आपकी नजर करूंगा, जरा था कर दें। यूं भी होता है कि यकदम कोई अच्छा लग जाए, बात कुछ भी ना हो और दिल में तमाशा लग जाए। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे सारे शेर दे विच यकदम दा इस्तेमाल बहुत अच्छा होया। बहुत अच्छा सर साहब, यह जी गल करके कोई तमाशा ना लवा लेना मैं तां। हां कुड़ी दा प्यो भी बैठा जे। सर वो है कि तेरी गली से मैं अक्सर गुजरा यूं जेड़े तीन दिन सानू इत्थे छुट्टी हुंदी ना प्रोग्राम दी, ये मल्ले जे इहो कुछ करके बच्चियां कोलों पैसे कमाउंदा। जी नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अवैस है जी, और आज मैं तहजीब हाफी साहब का एक शेर है वो सुनाना चाहता हूँ। भाई वाह सुनाइए। इजाजत है? जी जी इजाजत है। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, बंदा मर जाता है ज्यादा कुछ नहीं होता, चलो माना के मेरा दिल महबूब का घर है, पगर इसके पीछे इस घर में ज़्यादा कुछ नहीं होता। माँ मेरी कहती थी पैसा सब कुछ नहीं होता, आखिर में फिल्मों में ही सबको मिल जाती है मोहब्बत, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने अंदाज ना उन्होंने सुनाया वा। अच्छा। अगर आप ये शेर ना भी सुनाते तो क्या होता? इनू जिन्ना मर्जी नो आ लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेरा नाम गुलफाम रजा और मेरा आपसे सवाल है कि दोस्तों में लड़ाई भी तो हो ही जाती है, कभी सलीम साहब और आगा साहब की हाथापाई वाली लड़ाई हुई है? उन्नू एक अद्धा मैं मरिया ना हुंदा। नहीं नहीं ऐसी कभी भी नहीं हुआ हमारे। एक दो बारी मेरे वाल पुटे, मेरे हाथ ही नहीं आए। इन्हें फिर मैंने कहा मैंने बदले जो तू पुट ला, मैं फिर इन्हू पुट के सारे शहर च फराया। बारी कभी लड़ाई नहीं, और इंशाल्लाह अल्लाह की लड़ाई हुई है। आगा साहब ने किया पुंजे बह मैं तेरे चांड मारनी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इनकी मैं बगैर देखे ऑडियंस पूछे सच्ची बात करनी। अच्छा जी, एक दफा इनकी लड़ाई दोनों की हुई है। ओहो, ओ टिकटां विकियां, ओ टिकटां विकियां, विकियां उन्होंने क्या रिच और बाबा दूसरे का जायका ठीक नहीं सी। आगा साहब ने एक दफा उछल के चपेट मारी थी सलीम साहब को, सीधा घुटने पे लगी। जी नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है जी बच्चे, और मैं एक गजल सुनाना चाहूंगी जो मैंने खुद लिखी है। अरे वाह, आप कौन सी क्लास में हैं? FSC प्री मेडिकल पार्ट 2। और अभी से शायरी चलें सुना दें अता करें। अजीब है तेरे ये सारे मिजाज ए जिंदगी, बेमायनी है तेरे ये सब राज ए जिंदगी, बेफिक्र कुछ मौज में मैं जीना जो चाहूं, दिखते हैं तेरे नए नए अंदाज ए जिंदगी, कभी रुक गया तो कभी चल दिया नए सफर पे मैं, फिर दिखाया एक नई मंजिल का तूने ख्वाब ए जिंदगी, निकला जो मोहब्बत की राहों में मैं, फिर सीखे बड़े नए असबाक ए जिंदगी, कहानियां खत्म हो गई शुरू होने से पहले, यही हर बार हुआ मेरे साथ ए जिंदगी, जो अपने लगते हैं अपनों से भड़के कि ये तजुर्बा भी उन्होंने दिया ए जिंदगी, कि कोई नहीं मुखलिस इस दुनिया में जाना, कि कोई नहीं मुखलिस इस दुनिया में जाना, मतलब की दुनिया है मतलब की बात ए जिंदगी। इतनी गहरी मायूसी वाली बातें FSC की, आपकी फुफो बहुत ज्यादा है मुझे लगता है। मतलब ये डॉक्टर बन जाएगी ना तो फिर ये कहेगी आप रुकना चाहते हैं लेकिन लगता है आपको है जाना। ऐ जिंदगी। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम अहमद जुनेद है, मैं शेर सुनाना चाहूंगा जी। अता करें। नजर चाहती है दीदार करना। अच्छा। दिल चाहता है प्यार करना। अच्छा। नजर चाहती है दीदार करना, ठीक है। दिल चाहता है प्यार करना, करो। क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना। कोई आके इस बच्चे को मार करना। हालांकि ऐसे लड़कों के नसीब में अक्सर मार भी लिखी हुई है। सर इस तरह दाद होंगी नहीं, जिस तरह वो शेर कह रहे तुम क्या। अच्छा
ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁਸਨ ਇਤਨਾ ਬਿਨਾ ਵਾਫਿਰ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਹਾ ਹੁਸਨ ਇਤਨਾ ਬਿਨਾ ਵਾਫਿਰ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਮਾਂ ਬਣੇ ਔਰ ਉਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਵਾ 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 ਬਈ ਵਾ 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 ਬਈ ਵਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਤਕਬਲ ਬਹੁਤ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਰਤਸਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਜ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਲਗੇ ਹੈ ਵੋ ਖੁਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੇਵਾ ਡਰਾਮੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਥਾ ਉਸਕਾ ਮੋਮੋ ਕਾ ਅੱਛਾ ਉਸਮੇਂ ਵੋ ਕੁਵਾਰੀ ਹੋਤੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਅਨੀ ਅੰਮਾ ਹਮਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦੋ ਨੇ अम्मा मेरी शादी करा देने ये तुमने ना तरीके तरीके से ना अपने दिल की बात की है घर पे मैसेज भेजा है मेरी शादी वैसे आपकी शादी हुई भी क्या वजह बेटा इतनी उम्र हो गई आपकी शादी की क्या वजह अभी मेरी उम्र नहीं हुई नहीं हुई आप पढ़ रहे हैं हाँ जी जी मैं पढ़ रहा हूँ कहाँ पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में अभी तक पढ़ रहे हो यार इस उम्र में भी पढ़ रहे हो जी बहुत शौक है पढ़ाई का देखें अब बुजुर्गो छोड़ दो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾ ਸ਼ੋਅ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼